एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुसरत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 एमसीक्यू सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 एमसीक्यू सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12th ऑफ अक्टूबर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि मैं लीव पे रहूंगी फ्रॉम 15th ऑफ अक्टूबर अप टू 20th ऑफ नवंबर ड्यू टू सम पर्सनल रीजन, और मेरी जगह जीके टुडे की ही कोई और फैकल्टी कंटिन्यू करेगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको लेक्चर्स रोज मिलेंगे इसी तरह। और 20th ऑफ नवंबर के बाद फिर से मैं वापस आ जाऊंगी, तो हम लोग इसी तरह अपने लेक्चर्स के साथ प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। Who is the head of the commission recently set up to examine the scheduled caste status for converted Dalit? तो हाल ही में एक commission form किया है union government ने, किस लिए? उन सभी लोगों के लिए जो पहले scheduled caste में belong करते थे लेकिन बाद में किसी न किसी reason से वो जो है अपना religion convert करके Hinduism, Buddhism या फिर Sikhism में चले गए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों के बारे में अब क्या चीज़ देखनी है कि क्या ये जो कन्वर्टेड पीपल हैं जो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या इनको फिर से हम एससी का स्टेटस दे सकते हैं या फिर नहीं? इस कमीशन का यही काम है कि वो इसको चेक करे, ठीक है। तो इसके लिए 3 मेंबर का कमीशन ये फॉर्म किया गया है और इसको लीड करेंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस के जी बालकृष्णन, और कमीशन को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है अगले 2 सालों के अंदर, जिसमें ये बताएंगे कि जो भी ऐसे पर्सन हैं जो किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए थे, क्या उनको हम फिर से एससी स्टेटस में रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इस कमेटी के हेड कौन है, केजी बालकृष्णन। आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जैसे नाम दे दिया क्वेश्चन में जस्टिस केजी बालकृष्णन, आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन से कमीशन के हेड बने हैं, 3-4 ऑप्शन दे देंगे डिफरेंट डिफरेंट करके। तो आपको ये वाली चीज ध्यान में रखनी है कि किस कमेटी के ये हेड बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ वेपन सिस्टम ब्रांच फॉर ऑफिसर्स हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विच आर्म्ड फोर्स। आपसे पूछ रहे हैं कि पहली बार एक वेपन सिस्टम ब्रांच ऑफिसर्स के लिए हाल ही में कौन से आर्म्ड फोर्स के लिए अप्रूव हुई है। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कि एक वेपन सिस्टम ब्रांच ऑफिसर्स के लिए क्रिएट किया जाएगा इन द इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। और एयर चीफ मार्शल मिस्टर वी आर चौधरी के हिसाब से ये जो नई ब्रांच है ये सभी तरह के वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स को यूनिफाई करेगी, एक सिंगल एंटिटी के अंदर लेके आएगी, और इसके साथ ही 3400 करोड़ रुपीज की सेविंग भी होने लगेगी फॉर द गवर्नमेंट एक्सचेकर, ठीक है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है सिंस इंडिपेंडेंस जब एक नई ऑपरेशनल ब्रांच इस तरह से क्रिएट की जा रही है, ओके। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि कौन सी आर्म फोर्स के लिए की जा रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड? तो आंसर हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस्ट्री 4.0? आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने कि इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हैवी इंडस्ट्रीज जिसके मिनिस्टर हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इन्होंने हाल ही में इनॉग्रेट किया है कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस्ट्री 4.0 चैलेंजेस अहेड एंड वे फॉरवर्ड को, कहाँ पे? एट केवाड़िया इन द स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका एम क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को बेसिकली सेंसिटाइज करना कंट्री में ताकि वो डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को इजिली अडॉप्ट कर सकें, साथ ही साथ ऑटोमेशन और इनोवेशन को प्रमोट करना इस इंडस्ट्री में, ठीक है। याद रखिएगा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मॉडल स्मार्ट फैक्ट्री एंड असेसमेंट टूल्स को भी इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ओनली थिंग क्या इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन से कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इंडस्ट्री 4.0 इससे कौन सी मिनिस्ट्री रिलेटेड है, याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। लेकिन इसके अलावा साइबर जागरूकता दिवस ये एक इनिशिएटिव है जिसको कि हाल ही में लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, जिसमें सभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस फैलाने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो हाल ही में इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने ऑब्जर्व किया है साइबर जागरूकता दिवस को,
ताकि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस को क्रिएट किया जा सके सभी एम्प्लॉयज़ के दरमियान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेंगे कि साइबर जागरूकता दिवस एक इनिशिएटिव है जो कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने हाल ही में लॉन्च किया है, तो ध्यान में रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक लॉन्च्ड द स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट एप्लीकेशन फॉर SMEs। आपसे पूछ रहे हैं कि इंडिया की कौन सी प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने हाल ही में स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया है। तो ये है लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक इंडिया की HDFC बैंक, जिसका ये इनिशिएटिव है और ये एक तरह का पेमेंट और बैंकिंग सॉल्यूशन है स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेसेस के लिए। और HDFC बैंक ने डेवलप किया है स्मार्ट हब व्यापार एप्लीकेशन को किसके साथ कोलैबोरेट करके, तो इन पार्टनरशिप विद द मर्चेंट SaaS प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मिंटोआक इनोवेशंस इंडिया। ठीक है, और ये जो एप्लीकेशन है ये मर्चेंट्स को बेसिकली इनेबल करता है कि वो पेमेंट को एक्सेप्ट करें अक्रॉस मल्टीपल पेमेंट मोड। फाइन, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेंगे तो सिंपली यही आएगा क्वेश्चन में कि स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट एप्लीकेशन कौन से बैंक से रिलेटेड है, तो ध्यान में रखिएगा HDFC बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंकज अडवाणी हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ पर्सनैलिटी एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। आपसे पूछ रहे हैं कि पंकज अडवाणी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, तो सबसे पहले याद रखिएगा ये इंडिया से हैं और किस वजह से न्यूज़ में थे, क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना 25th वर्ल्ड टाइटल जीत लिया है। कौन से इवेंट को जीत के? 2022 का IBSF वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुई थी? क्वाला लुमपुर में। ठीक है, इन्होंने इसके फाइनल्स में किसको हराया था? सौरभ कोठारी को। और इसी के साथ ये प्रेजेंट में पहले ऐसे इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं किसी भी स्पोर्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा पंकज अडवाणी किससे रिलेटेड हैं? बिलियार्ड से। अच्छा, आपसे उल्टा भी पूछ सकते हैं कि 2022 का जो IBSF वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियनशिप है जो क्वालालंपुर में हुआ था, ये किसने जीता है? तो ध्यान में रखिएगा पंकज अडवाणी ने। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फाइनल्स कहाँ पे हुआ था, तो ये है क्वालालंपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज रोवर हैज मैप्ड अबेंडेंस ऑफ सोडियम ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन सी कंट्री का रोवर है जिसने सोडियम को डिस्कवर किया है अबेंडेंट मात्रा में मून पे पहली बार? तो ये है इंडिया का चंद्रयान 2 एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास। ठीक है, इसने जो है मून पे फाइंड आउट किया कि सोडियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है और ऑब्वियसली ये जो है मून के अराउंड घूम रहा था कब से? सिंस 2019। तो ये जो नई फाइंडिंग्स हुई हैं इसके साथ ही हमें अब एक स्कोप मिलता है कि हम स्टडी कर सकते हैं सरफेस एग्जॉस्फियर इंटरेक्शन को मून पे, जिसके थ्रू ये हेल्प करेगा हमको कि हम सिमिलर तरीके मॉडल्स डेवलप कर सकें मरकरी और अदर जो एयरलेस बॉडीज हैं सोलर सिस्टम में उनके लिए। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये किसने फाइंड आउट किया है? तो इंडिया ने किया है। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा विरासत आर्ट्स एंड हेरिटेज फेस्टिवल ये जो है कंडक्ट होगा जयपुर में 15 दिनों के लिए। ठीक है, और ये 26th एनिवर्सरी थी इस फेस्टिवल की। तो ये एक तरह का एक्चुअली प्लेटफॉर्म होता है लोगों के लिए जहाँ पे लोग एक्सपीरियंस करते हैं आर्ट कल्चर और म्यूजिक को बाय रिनाउंड क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस मास्टर्स। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कौन सी सिटी है जो विरासत आर्ट्स एंड हेरिटेज फेस्टिवल के लिए होस्ट है, तो ध्यान में रखिएगा जयपुर सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द फर्स्ट सेमिनार ऑफ अग्नि तत्व कैंपेन अंडर लाइफ मिशन। तो कौन सी सिटी है जो होस्ट है अग्नि तत्व के पहले सेमिनार की अंडर लाइफ मिशन? तो पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने एसोसिएट किया है विजनना भारती मतलब विभा के साथ और इन्होंने साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज किया है इस कैंपेन को ताकि अग्नि तत्व के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए अंडर लाइफ। ठीक है, लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस अग्नि कैंपेन का कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है? लेह में, जो कि है लद्दाख में, और थीम क्या रहेगी इस इवेंट के लिए? सस्टेनेबिलिटी एंड कल्चर। ठीक है, और पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये एक सोसाइटी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर और इसको सपोर्ट करती हैं लीडिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये इन्वॉल्व होता है इन द एरियाज ऑफ एडवोकेसी एंड रिसर्च फील्ड। तो बस आपको ध्यान में क्या रखना है, क्योंकि ये अग्नि तत्व का पहला सेमिनार है इस वजह से इंपॉर्टेंट है और इसके लिए होस्ट कौन सी सिटी है, तो ध्यान में रखिएगा लेह लद्दाख। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक नेशनल वर्कशॉप हाल ही में कंडक्ट की है ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, और ये जो वर्कशॉप है इसमें बहुत सारे
लोग पार्टिसिपेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, और इसमें जो है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को दिखाया जाएगा जिनको कि हमें अडॉप्ट करना है और उन पर फोकस करना है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी सिटी है जो होस्ट है नेशनल वर्कशॉप की ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ध्यान में रखिएगा ये सिटी है नई दिल्ली. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलगाम वेयर द बर्ड फेस्टिवल 2022 वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी. तो जम्मू एंड कश्मीर में ये जो बर्ड फेस्टिवल है इसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे, एट पहलगाम में, इन जो कि लाई करता है सदर्न कश्मीर में. ठीक है, और इस बर्ड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट इन कोलाब्रेशन विद सेंचुरी नेचर फाउंडेशन. किस लिए? टूरिज्म को बेसिकली प्रमोट करने के लिए कश्मीर में. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा वर्ल्ड फेस्टिवल 2022 का कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, पहलगाम में, और ये कहाँ पे लाई करता है, जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर हैज बीन नेम्ड द फिफ्थ प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी इन 2022. कौन से इंडिया के प्लेयर हैं जिनको FIH प्लेयर बनाया गया है मेंस कैटेगरी में इस साल? तो इंडिया के एस हॉकी प्लेयर हैं ये, हरमनप्रीत सिंह. इन्होंने जीत लिया है फिफ्थ प्लेयर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी 2022. ठीक है, और ये सेकेंड बार है लगातार जब इसको जीत चुके हैं. ठीक है, उसी के साथ ये चौथे ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है मेंस कैटेगरी में कंसेक्यूटिव ईयर्स में, मतलब एक बार फिर दोबारा लगातार. ठीक है, और अगर हम वुमेन्स कैटेगरी की बात करें तो इसमें विनर थी एल्बर्ट्स जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, और हरमनप्रीत सिंह की बात करें तो इन्होंने टोटल 18 गोल्स जीते हैं फ्रॉम 16 गेम्स जिसमें दो हैट्रिक भी आते हैं, और कहाँ पे, इन द FIH हॉकी प्रो लीग 2021-2022. तो इस क्वेश्चन से चार चीज़ें पूछ सकते हैं आपसे. सबसे पहले कि मेंस कैटेगरी में कौन बनाए गए हैं FIH प्लेयर ऑफ द ईयर, ये है हरमनप्रीत सिंह. आपसे ये भी पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये इंडिया. थर्ड क्वेश्चन ये है कि वुमेन्स कैटेगरी में कौन जीता है ये, तो एल्बर्ट्स, और ये भी पूछ सकते हैं कि एल्बर्ट्स कौन सी कंट्री से हैं, तो याद रखिएगा नीदरलैंड से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलकम वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट स्पोर्ट ऑफ विच पर्टिकुलर स्टेट. ये एक्चुअली इंडिया का एक इंडिजिनस स्पोर्ट है मलकम, जो कि शुरू हो गया है 36th नेशनल गेम्स में, और मल्लकम एक तरह का डिस्प्ले होता है एरियल योगा का और रेसलिंग ग्रिप्स का, जिसमें कि वर्टिकल स्टेशनरी और हैंगिंग वुडन पोल के फॉर्म में लोग प्रेजेंट करते हैं अपने आप को. ठीक है, तो ये वन ऑफ द 5 न्यू स्पोर्ट हैं जो कि नेशनल गेम्स में खेले जाएंगे इस साल, और ये स्पोर्ट जो है अपना डेब्यू ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुका है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, और याद रखिएगा मध्य प्रदेश ने मल्लकम को अपना स्टेट स्पोर्ट बनाया था 2013 में. ठीक है, इसी के साथ आप जरा मेंशन करिए कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए वेन्यू क्या था और इसमें विनर कौन सी यूनिवर्सिटी रही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्राइब्यूनल. आपसे पूछ रहे हैं कि इस ट्राइब्यूनल के लिए प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन है. तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को एज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ट्राइब्यूनल. ठीक है, इसके अलावा ये चेयरपर्सन रह चुके हैं वल्नरेबल विटनेस प्रोग्राम कमेटी के, जिसको कि फॉर्म किया गया था 2018 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि वल्नरेबल विटनेस डिपोजिशन कॉम्प्लेक्सेस को सेटअप किया जाएगा सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन बनाए गए हैं UAPA ट्राइब्यूनल के, तो ये है मिस्टर दिनेश कुमार शर्मा. लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज फायर्ड 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स इन टू द सी इन इट्स 7th सच लॉन्च इन 2 वीक्स. कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया है सी में? ये है नॉर्थ कोरिया. इन्होंने हाल ही में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर कर दिया है सी में, और इसी के साथ ये इनका 7वां ऐसा लॉन्च था पिछले 2 हफ्तों में. ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा ये कंट्री कौन सी है, नॉर्थ कोरिया. तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम चलेंगे हमारे रिविजन सेशन की तरफ. कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम कवर करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की, और उसके बाद सेकंड हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, और एट लास्ट आज हम कुछ विनर्स को डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अच्छा ये तो कैटेगरीज हमने बहुत बार करी हैं. कल मैंने 2 कैटेगरीज कमेंट से निकाली थी जो मुझे नई लगी और काफ़ी रेलिवेंट लगी, तो कल वाले सेशन में हम लोग उसको कर लेंगे. ठीक है, तो कल का सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा. चलिए इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स एक बार देख लेते हैं. वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड मार्किंग द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच साइंटिस्ट. वर्ल्ड रेबीज डे हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं, और इस दिन डेथ एनिवर्सरी होती है लुइस
पाश्चर की, जो कि एक वेटरन साइंटिस्ट थे. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मैरिटाइम डे 2022? इसके लिए थीम थी न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग. और इसको हम कब ऑब्जर्व करते हैं? सेप्टेम्बर मंथ में लास्ट थर्सडे को. ठीक है, लास्ट थर्सडे ऑफ सेप्टेम्बर मंथ. और इस साल ये कब पड़ा था? 29th ऑफ सेप्टेम्बर को. When is the International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction observed every year? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 29th ऑफ सेप्टेम्बर को. और इस साल के लिए थीम क्या थी? Stop Food Loss and Waste for People and Planet. ठीक है, ये पूरी थीम थी इस साल के लिए. What is the theme of the World Heart Day 2022? इसके लिए इस साल की थीम थी Use Heart for Every Heart. ठीक है, और इसको हर साल हम कब मनाते हैं? तो 29th ऑफ सितंबर को. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड रिवर्स डे 2022? तो वर्ल्ड रिवर्स डे हर साल हम मनाते हैं सितंबर के चौथे संडे को. ठीक है, फोर्थ संडे ऑफ सितंबर मंथ. और इस साल ये कब पड़ा था? 25th ऑफ सितंबर को. थीम क्या थी इस साल के लिए? द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स टू बायोडाइवर्सिटी. वर्ल्ड फार्मेसिस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग विच मंथ? इसको हम सितंबर मंथ में ऑब्जर्व करते हैं. एग्जैक्टली बात करें तो 25th ऑफ सितंबर को. और थीम क्या थी इस साल के लिए? फार्मेसी यूनाइटेड इन एक्शन फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड टूरिज्म डे 2022? इसको हम मनाते हैं 27th ऑफ सितंबर को हर साल. और थीम थी इस साल के लिए रीथिंकिंग टूरिज्म. ठीक है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड राइनो डे 2022? तो वर्ल्ड राइनो डे हर साल हम मनाते हैं 22nd ऑफ सितंबर को. और इस साल के लिए थीम थी 5 राइनो स्पेशीज फॉर एवर. व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हम मनाते हैं 23rd ऑफ सितंबर को. इसके अलावा एक और दिन बच रहा है, याद रखिएगा, वर्ल्ड लंग डे हम हर साल मनाते हैं 25th ऑफ सितंबर को. तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डेज सितंबर के लास्ट 10 डेज में से. ठीक है, अच्छा, इस एक महीने में आप सबसे ज़्यादा मेरा क्या मिस करेंगे? ये मेरी गंदी राइटिंग, या फिर जो मैं ठीक है कहती रहती हूँ, या फिर मेरे इतने सारे होमवर्क? कैसी चीज़ें आपको याद आएंगी, आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ की जो न्यूज़ में थी. अदानी ग्रीन हैज़ कमीशनड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट विंड सोलर पावर प्लांट इन विच इंडियन सिटी? तो दुनिया का सबसे बड़ा विंड सोलर पावर प्लांट अदानी ग्रीन ने कमीशन किया है जैसलमेर में. ठीक है, जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान स्टेट में. Which city is the host of the Conference on International Day for Universal Access to Information? इसके लिए कौन सी सिटी होस्ट है? तो ये है ताशकंद, उज्बेकिस्तान. द ICMR National Institute of Virology South Zone is set to be established in which city? तो NIV का South Zone सेटअप किया जाएगा बेंगलुरु सिटी में. The Integrated Cryogenic Engine Manufacturing Facility of Hindustan Aeronautics Limited was inaugurated in which city? ये जो फैसिलिटी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, इसको हाल ही में इनोग्रेट किया गया है बेंगलुरु सिटी में. विच सिटी टॉप द ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स इन 2022? इस इंडेक्स को टॉप किया है न्यूयॉर्क ने. सेकेंड पोजिशन पे था लंदन और थर्ड पे था सिंगापुर. ठीक है, इंडियाज फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज सेट टू बी इनोग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी? तो इंडिया की पहली लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनोग्रेट होगी तिरुपति में. Which Indian city has been nominated as the first ever Shanghai Cooperation Organization Tourism and the Cultural Capital? ये है वाराणसी. ठीक है, अब लास्ट में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स की. Which football team won the Durant Cup in 2022? तो 2022 का Durant Cup जीत लिया है बेंगलुरु FC ने. Which country won the SAFF Under 17 Championship title in 2022? इसको जीता है इंडिया ने. Who won the Best Actor and the Actress title in drama series in the Emmy Awards 2022? तो Best Actor का title जीता है Lee Jung Jae ने. और Best Actress का title जीता है Zendaya ने. ठीक है, Which racing driver won the Italian Grand Prix title? इसको जीता है Max Verstappen ने. अच्छा, आपको कोई तीन ऐसे ग्रैंड प्रिक्सेस का नाम कमेंट्स में लिखना है जिसके विनर मैक्स वर्स्टैपेन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस साल मैक्स वर्स्टैपेन ने काफी सारे इवेंट जीते हैं. तो आपको ऐसे तीन चैंपियनशिप का नाम मेंशन करना है जिसके विनर मैक्स वर्स्टैपेन है. अच्छा, एक चीज और, कोई कॉपी नहीं करेगा किसी का. ठीक है, सब लोग अलग अलग लिखेंगे तो इससे क्या होगा, आपकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जिनको मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है इस साल. विच स्टेट वन द फर्स्ट रैंक
इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान स्कीम एज पर अ रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट। तो नीति आयोग की रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने पोषण अभियान स्कीम को बेस्ट तरीके से इम्प्लीमेंट किया है? ये है महाराष्ट्र स्टेट, सेकेंड पे था इसमें आंध्र प्रदेश और थर्ड पे था गुजरात। द स्पेस कंसोर्टियम ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड विच कंपनी हैज वन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द नेक्स्ट 5 पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल? ये है लार्सन एंड टुब्रो। विच फॉर्मर प्रेसिडेंट वन द बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड फॉर हिज डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क? तो बेस्ट नरेटर एमी अवार्ड जीत लिया है यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट मिस्टर बराक ओबामा ने अपनी डॉक्यूमेंट्री आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट विनर्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। कल मैंने 3 कैटेगरीज बहुत इंटरेस्टिंग सोची हैं, तो कल के सेशन में आप जरूर आइएगा और बहुत मजेदार सेशन होने वाला है कल का। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे उसको इंप्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू हत्सना साइनिंग ऑफ।